दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की थी और अब फिर सीबीआई ने रविवार को मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर मनीष सिसोदिया के लुकआउट नोटिस पर बीजेपी से कड़े सवाल पूछे हैं। देश के सबसे पसंद किए जाने वाले शिक्षा मंत्री के खिलाफ लुकआउट नोटिस केंद्र सरकार ने जारी किया है। मैंने गूगल पे सर्च किया, तुरंत एक सम्मानित अखबार का लेख था, व्हाट इज लुकआउट नोटिस, और लिखा कि जो अपराधी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिल नहीं रहे होते, भाग गए होते हैं, एब्सकॉन्डिंग होते हैं, उन अपराधियों को ढूंढने के लिए, उनका पता लगाने के लिए देश की सबसे बड़ी एजेंसीज लुकआउट नोटिस निकालती हैं कि कहीं किसी एयरपोर्ट से भाग ना गए हों, कहीं बॉर्डर को क्रॉस ना कर गए हों। ये लुकआउट नोटिस होता है और इसकी शुरुआत जो है, आज के दिन की शुरुआत हमारे देश की सरकार ने मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ लुकआउट नोटिस निकालकर उसकी खबर को सभी अखबारों को, टीवी चैनल्स को दे के जो है आज की शुरुआत की। बड़ी गंभीर बात है। वो मनीष सिसोदिया जो परसों जन्माष्टमी पे, शुक्रवार का दिन था, आप और मैं कई बार उस दिन मिले, 14 घंटे सुबह 7 बजे से लेकर रात तक, जब तक सीबीआई उनके घर में थी, उन सीबीआई अफसरों के साथ बैठे हुए थे अपने घर में, AB 17 मथुरा रोड। आप सब लोग बाहर खड़े हुए थे कैमरा लेके, मनीष जी अंदर मौजूद थे। सीबीआई निकली, मनीष जी ने सब टीवी चैनल्स को बाइट दी रात को, 11 बजे की बात होगी परसों की। कल मनीष जी ने अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 12 बजे, और उसके बाद भी लगातार अपनी बाइट्स दे रहे हैं। आज सुबह से अपने घर पे जानबूझ के हमने कहा, मनीष जी आपको काम नहीं करने दिए गए, मगर फिर भी 2-1 घंटे निकाल लीजिए, एक एक चैनल को घर पे बुला के बाइट दे दीजिए, और घर से दीजिए, AB 17 मथुरा रोड से दीजिए, ताकि प्रधानमंत्री जी को भरोसा हो जाए मनीष सिसोदिया भागने वाली चीज नहीं है, मनीष सिसोदिया डट के मुकाबला करने वाला आदमी है। आप जहां बुलाओगे प्रधानमंत्री जी, मनीष सिसोदिया आने के लिए तैयार है। आप बताइए कहां मिलना चाहते हैं, और अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है। AB 17 में मनीष जी हैं। समस्या क्या है? समस्या यह है केंद्र सरकार की, 31 जगह सीबीआई के छापे डाले गए, 14 घंटे तक देश के अंदर 31 ठिकानों के अंदर ढूंढ मची, 900 सीबीआई के अफसर लगाए गए, मिला कुछ नहीं। यह समस्या है मोदी जी की। कोई पैसा मिला हो, कोई कैश मिला हो, कहीं सोना चांदी मिला हो, कहीं पे बेनामी संपत्तियों के कागज मिले हो, कुछ भी तो नहीं मिला, वरना सीबीआई खुद प्रेस वार्ता करके बताती है ये हमें मिला है। अब वो मिला नहीं तो अब इस लेवल पे आ गए कि साहब मनीष सिसोदिया भाग गए, देश छोड़ के भाग गए मनीष जी, और सीबीआई ने लुकआउट नोटिस दिया है, अब एयरपोर्ट पे पुलिस तलाशी कर रही है मनीष सिसोदिया कहां पे है। ये तो बहुत छोटी बात है, तो बहुत तुच्छ चीज है। इसको तो अगर नौटंकी भी कहा जाए तो ये नौटंकी भी नहीं है, तो नौटंकी से भी बहुत नीचे है। और आप सोचिए, इन मनीष सिसोदिया का नाम तो देश विदेश सब जगह है, लोग इन्हें हर जगह जानते हैं, विदेशों की सरकारें हंस रही होंगी हमारी भारत सरकार के ऊपर, वो भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय पे हंस रहे होंगे, और वो कह रहे होंगे कैसा देश है जहां पे बेरोजगारी अपने चरम पर है, जहां पे महंगाई संभल नहीं रही, जहां पे देश की अर्थव्यवस्था नीचे भाग रही है, जहां पे देश का गरीब आदमी रो रहा है, उस देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं?
उस देश के प्रधानमंत्रियों को राज्य सरकारों के साथ मिलके मीटिंग करनी चाहिए कि भाई देश को पटरी पर कैसे लाया जाए, बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाए, महंगाई को कम कैसे किया जाए। और प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, हर राज्य सरकार से लड़ रहे हैं। आप सोचिए विदेशों के अंदर क्या खबरें जा रही है इस भारत की, कि भारत की अपनी समस्याएं कम नहीं है। और प्रधानमंत्री ये है हर एक राज्य से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए प्रधानमंत्री जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं और प्रवक्ताओं से जानना चाहता हूं जो शाम को 5 बजे सीबीआई के वकील बन जाते हैं, जो सुबह से शाम तक प्रेसवार्ता के अंदर सीबीआई की वकालत करते हुए सीबीआई के कसीदे पढ़ते हैं कि 5-7 साल पहले सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा था, केंद्र सरकार सीबीआई में गुजरात के मंत्रियों को जेल में डाल रही थी, लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, और आज सीबीआई ईमानदार हो गई। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।